हाँ जी विशाल जी, कहाँ से आए हैं, क्या प्रॉब्लम था? मैं सर अलीगढ़ से आया हूँ और मेरे को जो प्रॉब्लम थी वो फिस्टुला की थी। ये बहुत मतलब अनकॉमन तो नहीं है, कॉमन है लेकिन लोग बहुत डरते हैं इसको बताने में, डिस्कस करने में, क्योंकि उन्हें लगता है कि बहुत शर्मिंदगी वाली बात है कि ऐसा हो रहा है किसी के साथ में, और रिलेटिव्स में भी बहुत फैलती है बातें, तो फिर वो उनको और ज़्यादा अनकम्फर्टेबल लगता है। और ये जो था मेरा, ये आई थिंक 2 साल पहले था। सबसे स्टार्टिंग में मेरे को हल्की सी गांठ बनी थी, और जो गांठ बनी थी वो बिल्कुल 12 o'clock पर, अगर आप देखोगे तो 12 o'clock पर ऊपर की साइड थी, और वहाँ पर गांठ थी। तो मैंने लोकल अपने अलीगढ़ में ही दिखाया, उन्होंने बोला कि ये नॉर्मल है लेकिन इसको फिर भी डायग्नाइज करते हैं। तो उन्होंने फिर MRI कराया, उसमें दिखा कि उसमें पस भरा हुआ था। वो धीरे धीरे क्या हुआ, मैं उसे छेड़ता रहता था क्योंकि वो डिस्कम्फर्ट कर रही थी। मैंने सोचा अगर ये ऊपर ऊपर है तो फूटने के बाद में इससे पस निकल जाएगा, तो ये दब जाएगी और वहीं फिर हील भी हो जाएगी। लेकिन एक दिन वो फूटी तो उससे क्या हुआ, वो वहाँ से तो निकल गया और फिर वो पस तो निकल गया था, लेकिन उसके बाद वो जैसे हील, मैं सोच रहा था हील होगी, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उसमें फिर पस बनने लग गया और वो बाहर से बंद हो गई जो खुली थी। बंद होने के बाद में फिर उसमें एक साइड में थोड़ी सी सूजन आने लग गई, तो वो फिर मैंने और डिस्कस किया घर वालों से, तो फिर मैंने नेट पर भी सर्च किया कि इसके बारे में क्या चीज़ है, कैसे क्या होता है। तो तब मैंने जाना कि ये फिस्टुला है, नॉर्मल चीज़ नहीं है, नॉर्मल बवासीर नहीं है, फिस्टुला। जब MRI कराई थी उसमें फिस्टुला आया नहीं था आपके? उसमें फिस्टुला नहीं था, तो वो पूरा ट्रैक अंदर तक नहीं था, वो वहीं पर गांठ सी पस भरा हुआ था। ट्रैक इतना पतला होता है कई बार नहीं भी, हाँ हो सकता है। तो मान के चलो कि कोई भी स्वेलिंग एनस के अराउंड होती है तो फर्स्ट सस्पिशन हम लेके चलते हैं कि मे बी इट इज रिलेटेड टू एनल कैनाल, और पॉसिबिलिटी ऑफ फिस्टुला माइंड में रख के चलनी पड़ती है। ओके, तो इसके बाद फिर मैंने देखा इंटरनेट पर क्या क्या इसके सॉल्यूशंस हैं, तो बहुत सारे सॉल्यूशंस मिले। एक शार्प सूत्र है और एक आपका लेज़र है, लेसिक लेज़र से करते हैं बेसिकली। और तो सबसे जो बेनिफिशियल लगा वो लगा लेज़र का, क्योंकि उसमें फिर मैंने एडवर्टीजमेंट भी देखी थी 2-4 जगह से, तो उसमें बोल रहे थे कि आप रात में आओ, सुबह तक आप फ्री हो जाओगे, एक दिन का प्रोसेस है विदाउट पेन विदाउट एनीथिंग। तो मैंने सोचा ये इससे बढ़िया क्या है, तो 25-30 हज़ार रुपये हमारे उस प्रोसेस को कराने में गए, आगरा में कराया था। तो जब वो कराया मैंने तो ट्रैक पूरा अंदर तक नहीं था, उन्होंने हाफ लेज़र किया हाफ ओपन किया, और ओपन बाहर ही छोड़ दिया। उन्होंने बोला कि इसमें अंदर पट्टी भरनी है, और जो पट्टी भरनी होती थी अगर उंगली के बराबर घाव है, उंगली जितना मोटा, तो उसमें पट्टी डालना, तो वो अगर आप किसी चीज़ से डाल रहे हो वो इधर उधर टच भी होती है या पट्टी खिसक के जाती है तो बहुत पेनफुल होता था। उसके बाद में वो करने के बाद में फिर वो थोड़ा देर चला वो ड्रेस, वो कम से कम मेरी अगर मैं ओवरऑल बताऊँ तो 5 से 6 महीने चली। उन्होंने बोला था 2 महीने के अंदर ठीक हो जाएगा, लेकिन वो ड्रेसिंग में तो नॉर्मली बोलते 24 घंटे में खत्म हो जाएगा। हाँ, वो अब पता नहीं उनका क्या था, वो या तो बहुत पतला ट्रैक हो पूरा तो उसको बंद करते हुए आएंगे, लेकिन वो बीच में गांठ थी। उसके बाद उन्होंने बताया था कि एक ब्रांच ऊपर स्कॉटम की तरफ जा रही है और एक साइड में जा रही है, तो उन्होंने वो जो हमें बताया था वो ये बताया कि ऊपर वाली बंद कर दी और साइड वाली बंद कर दी, जहां पर उनका इंटरसेक्शन था वहां से ऊपर तक उन्होंने खोल दिया था ताकि अंदर से भर गया। तो वो रीजनेबल भी लगा, तो हमने सोचा कि यही प्रोसेस है इसका, वो करा। लेकिन उसके बाद वो धीरे धीरे जब हील होने लगा तो उसकी चारों तरफ की स्किन जो है वो हार्ड सी होने लगी, और जैसे वो बंद होने क्लोजर पर आया था तो उसमें एक साइड में फिर से फूट गया। तो वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि यार ये ठीक नहीं हो रहा है। फिर मैं दोबारा डॉक्टर के पास गया तो उनका फिर जो नेचर था वो एकदम चेंज हो गया कि ये आपने ड्रेसिंग अच्छी नहीं करी। फिर वो ब्लेम सीधा पेशेंट पर आता है, टू बी ऑनेस्ट, अगर सही बात बताऊँ तो, क्योंकि डॉक्टर कभी कुछ होते हैं जो एक्नॉलेज कर लेते हैं कि देखो ये नहीं हुआ है ठीक, और कुछ होते हैं कि आपकी गलती है। मैंने पूरी कोशिश करी। दिस हैज टू बी अंडरस्टूड कि दिस डिजीज इज कॉम्प्लेक्स एंड देयर इज हाई पॉसिबिलिटी ऑफ रिकरेंस। वन देयर प्राइमरली जब अंदर से ठीक होगा तो वो पेशेंट चाहे वो घुड़सवारी भी कर रहा है, सब कुछ खा पी रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो वो ठीक होता ही जाएगा। अनलेस कि कोई ग्रॉस नेग्लिजेंस ना करे और बीच बीच में रेगुलर फॉलोअप अगर मिस कर देता है तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि ऊपर से बंद हो जाए, अंदर से रह जाए। बट अगर आप रेगुलर फॉलोअप में हो तो देर इज़ पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं कोई रूट रह गई है विच नीड्स टू बी डेल्ट, एंड किसी से भी मिस हो सकती है। अगर वो मिस हुई है तो वो मैनेज करके उसको दोबारा से किया जा सकता है। एंड फर्स्ट थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिजीज इज कॉम्प्लेक्स। अगर हम इसको ऐसे ही सोचेंगे कुछ नहीं है, फिस्टुला तो कोई बीमारी ही नहीं है, ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, तो वो ठीक कभी नहीं होगा। वी हैव टू अंडरस्टैंड कि ये कैंसर नहीं है, पर कैंसर से कम भी नहीं है, ईजी नहीं है।
जो मेंटल डिसेबिलिटी जो बनाता है इंसान के अंदर, वो एकदम डिस्कम्फर्ट हो जाता है फुली, कि ना तो वो अगर ऑफिस जा रहा है तो वहाँ डिस्कम्फर्ट होता है, बैठने में दिक्कत हो रही है, किसी से शेयर भी नहीं कर सकता। दूसरा अगर स्कूल लाइफ है, अगर छोटे बच्चों में भी बहुत हो रहा है, मैं मेरी एज भी बहुत ज़्यादा नहीं है, 25 ईयर्स ओल्ड हूँ मैं, और इतनी जल्दी मैं अगर किसी को बताता भी हूँ तो वो बोलते हैं भाई तूने ऐसा क्या किया जो तेरे को इतनी जल्दी ये प्रॉब्लम हो रही है। दिस इज़ वन ऑफ द कॉमनेस्ट प्रॉब्लम, ये मतलब ब्लेम गेम शुरू कर देते हैं। तो ब्लेम तो गेम होनी नहीं है, बीमारी किसी को भी हो सकती है। आज की डेट में किसी को कोविड हो गया, कोई कोविड से बच गया, कोई मर गया। अब जो बच गया तो वो कहेगा कि मैं तो बहुत बहादुर था, मैंने ये कर दिया, मैं ठीक हो गया। और जो नहीं गया तो उसके ऊपर तुम डाल दो कि ये कर दिया वो कर दिया, ऐसा नहीं है। किसी की बॉडी ने उसको रेजिस्ट कर लिया, किसी की बॉडी ने उसको नहीं कर पाया। सो इट इज़ नेवर कि आप अपने की बस कि तुमने ये कर दिया इसलिए तुम्हारा ख़राब हो गया। एंड देर कुड हैव बीन मैनी थिंग्स कि तुम ये क्या खा लिया, पेरेंट्स भी धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं, तुम नॉनवेज खाते थे, तुमने वो कर दिया। ठीक है ना, नॉनवेज खाने से मैं भी मना करता हूँ कि ज़्यादा नॉनवेज खाओगे तो कॉन्स्टिपेशन होगा तो इंजरी होगा। दिस इज़ वेरी मिस नेचुरल। मैदे की चीज़ें, मोमोज या सब चीज़ें ज़्यादा खाओगे, मसाले खाओगे ज़्यादा, तो देर विल बी, बट इट डजेंट मीन कि आप सब बंद कर दोगे। आपको उसको अपने हिसाब से बैलेंस आउट करना है कि ना आपको वो कॉन्स्टिपेशन करे, ना वो आपको बॉडी में जलन करे। जितना अमाउंट आपको तकलीफ कर रहा है, डेट मीन्स कि आपको उससे कम करना है या बंद करना है, दैट इज़ योर चॉइस। ठीक है, तो बट अब हो गई है बीमारी तो देन वी हैव टू वर्क ऑन डैट, रादर देन थिंकिंग कि तुमने क्या किया होगा, तुमने ध्यान नहीं रखा होगा, तुमने सफाई नहीं करी होगी। देर आर एन नंबर ऑफ ब्लेम्स जो लोगों पर डालना शुरू कर देते हैं। अल्टीमेटली सफरर आप हो, परेशान आप हो। आप अब एक से बात करोगे वो ऐसा कर देगा, अगली बार आप किसी से डिस्कस ही नहीं। वही चीज़ है, डिस्कस करना पॉसिबल ही नहीं हो पाता। और इसका जो मेन मेरे को जो रूट कॉज लगता है वो कॉन्स्टिपेशन है। उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कुछ, अगर कहीं आपको कट लगेगा तो वो हील होगा, लेकिन वो एरिया ऐसा है कि जहाँ पर 24 घंटे बैक्टीरिया रहते हैं तो वो हील होने नहीं देते। किसी के इसमें हो जाता है, किसी में नहीं हो पाता। तो आमतौर पर यही जो आप बता रहे हो, पाइल्स जिसको लोग समझते हैं कॉमन भाषा में, एक्चुअली वो फिशर होता है। फिशर अंदर फट रहा होता है, वहाँ इन्फेक्शन होता है, उससे हो जाता है। बहुत रेयरली है कि आपकी IBD है, NLD, कोई भी इंटेस्टाइन रिलेटेड डिजीज है जिसमें इंटेस्टाइन ही वीक है, तो उसमें भी कई बार हो जाता है। क्रॉन्स डिजीज़ हो गई, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ IBS जिसको बोलते हैं, उससे हो सकता है। इरिटेबल बाउल डिजीज़ के अंदर नहीं होता, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज़ के अंदर होता है। मेरे साथ भी ये केस था IBD का, तो मैंने जो ट्रीटमेंट लिया था वो मेरा कम से कम फिस्टुला भी था, IBD भी था। तो हाँ, तो मेरा जो एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में JNMC है, जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, वहाँ मैंने डॉक्टर को दिखाया, तो उन्होंने बोला कि फिस्टुला बाद में ट्रीट करेंगे, पहले IBD करते हैं, क्योंकि अगर फिस्टुला ट्रीट कर दूंगा मैं तो IBD की वजह से दोबारा हो जाएगा। लेकिन दिक्कत वहाँ पे कराने की यही थी कि वो ओपन सर्जरी करते हैं, उनके पास कोई हाईटेक कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो मैंने IBD का ट्रीटमेंट जो था वो पूरा मेडिकेशन से था, तो उसमें कोई इशू नहीं हुआ मेरे को, मैंने लिया, उससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स आए मेरे को। फिर मैं यहाँ पर आ गया, आपका जो भी मैंने एडवर्ट मतलब देखे थे यूट्यूब से देखा था, और लोगों से मैंने बात भी करी थी। कोई एक बंदा राजस्थान का था, नाम मैं शायद रिकॉल नहीं कर पा रहा, उनसे बात करी थी, तो उन्होंने 2 साल पहले कराया था। मैंने पूछा कितना खर्चा आया, क्या हुआ, तो उन्होंने बहुत अच्छे से बात करी, बोला कि आप वहीं जाके करा लो, तो और कॉन्फिडेंस आ गया। पहले ही मैं मन बना चुका था कि अब मुझे यहीं कराना है, क्योंकि 10 जगह जाओ फिर आपको सेम रिजल्ट आ रहा है तो बेकार है उधर जाना। जहाँ पर आपको अगर मन करता है कहीं पर कि यहाँ ठीक हो जाऊँगा, तो मेरे हिसाब से उधर ही जाओ, क्योंकि मन की जहाँ शांति मिल जाएगी वहाँ अपने आप ठीक होने लग जाओगे। वो भी एक मेजर फैक्टर है। और सम यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस डिजीज इज कॉम्प्लेक्स। अगर कॉम्प्लिकेटेड केस है, जब ओवर डॉक्टर देखते सारी समझ जाता है कि अब ये अगर खास करके जैसे आपका रिकरेंस हो गया है, तो या तो वो दोबारा उसको तभी टच करेगा, या तो उसे पता होगा कि मेरे को क्या करना है एंड ही कैन डील विद इट, और या फिर उसे कुछ भी नहीं पता होगा, इग्नोरेंस में वो उसको टच कर देगा। क्या इनको भी जो मॉडरेटली बीमारी के बारे में जानते हैं, या जिस तरह का आपका कॉम्प्लिकेटेड केस था, दे वुड एडवाइज से कि तुम हायर सेंटर में चले जाओ, या तुम ऐसी जगह पर करा लो जहाँ तुम्हें कम्फर्टेबल लगे। एंड दिस शुड बी द प्रोटोकॉल। इसको वो नहीं लेना चाहिए कि भाई मेरे से नहीं होगा तो क्या। दिस इज़ नॉट टाइप, ये डिजीज़ ऐसी नहीं है, आपके चाहने से नहीं होता। इसमें पेशेंट फैक्टर, बहुत सारे हीलिंग फैक्टर्स, एंड आप कितना आपने उसको अच्छे से समझ पा रहे हो बीमारी को, तभी आप ठीक कर पाओगे। अदरवाइज ये मिस करते जाओगे, पेशेंट भी परेशान होगा, खुद भी परेशान होगा। करेक्ट। तो
ड्यूरिंग ट्रीटमेंट कोई तकलीफ रही काम करते रहे? हाँ, मैं काम करता था, बस स्टार्टिंग का जो फर्स्ट सिटिंग थी, उसके बाद जैसे टांगे वगैरह जो भी लगते हैं उसमें थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हुआ था स्टार्टिंग में, जैसे स्टूल पास करना है उस टाइम पर। उसके बाद धीरे धीरे मेरे को मतलब और ज़्यादा क्या बोलते हैं रिलैक्सेशन मिलता गया लास्ट तक, और आज मैं यहाँ बैठा हूँ आराम से सारे काम कर रहा हूँ। मेरे को उठने बैठने में कोई दिक्कत नहीं, पहले मैं सीधा पालथी मार के भी नहीं बैठ पाता था, उसमें भी बैठने में मेरे को या तो ऐसे ही झुक के बैठना पड़ेगा आगे की तरफ या फिर थोड़ा सा साइड में होना पड़ेगा, क्योंकि वो जो गांठ टाइप की थी वो बिल्कुल ही सेंटर में थी, तो आप बैठोगे उधर प्रेशर आना ही है, और जब प्रेशर आता है तो वो आपको डिस्कम्फर्ट करता है बैठने के लिए। लेकिन अभी ठीक है, अभी सारे काम हो रहे हैं, कोई इशू नहीं है। हेल्थ इम्प्रूव हुआ है कुछ पहले से? हेल्थ वाइज वेट मेरा स्टार्टिंग से ही सेम है, ना ज़्यादा कम हुआ बीच में भी ना बड़ा, नॉर्मल है। बस थोड़ा सा ओवरवेट टाइप जा रहा हूँ मैं, वो मैं कंट्रोल कर लूँगा धीरे धीरे एक्सरसाइज से। ठीक है, देखो वेट जो नॉर्मली बढ़ाना है, बोन एंड मसल का वेट अगर बढ़ता है इट इज़ हेल्दी, अगर फैट का वेट बढ़ता है तो फिर आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और बहुत सारी चीज़ें खराब होती हैं। तो लीन बॉडी वेट इफ इट इज़ गुड देयर इज़ नो हार्म, और अगर किलोग्राम बढ़ रहे हैं फैट में तो डेफिनेटली वो कहीं ना कहीं जाके हार्म करेंगे। करेक्ट करेक्ट और कुछ खाने पीने में आपने कोई परहेज करे थे या कुछ ड्यूरिंग ट्रीटमेंट? नहीं, बस जो स्टार्टिंग में था, स्टार्टिंग में थोड़ी सी डाइट ली थी नॉर्मल, जैसे हॉस्पिटल में जिस दिन था उस दिन सूप वगैरह लिया था, घर जाके थोड़ा सा एक दिन का मान लो, वो आपने तो नहीं बताया था लेकिन मैंने खुद से ही कि थोड़ा सा लाइट डाइट लेनी चाहिए। कुछ बार मेडिसिन किसी को नहीं सूट कर रही होती तब लाइट लेनी पड़ती है, अदरवाइज मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। हाँ, वो आपने पहले भी बोला ही था। आप कंफर्टेबल हो गए? कोई फोन वन करे आपसे तो बात करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल। आपका नंबर फिर शेयर कर दीजिए। 7055788631 ये मेरा नंबर है, आप कभी भी कॉल कर सकते हो। हाँ नहीं, कभी नहीं, पहले व्हाट्सएप या मैसेज करें, टाइम लें और उसके बाद करें। हाँ बिल्कुल, ठीक है। वो ज़्यादा बेटर ऑप्शन, वही बेस्ट है, क्योंकि आई अंडरस्टैंड कई बार पेशेंट देख रहा है सर रात को एकदम से 12 बजे देखा और तुरंत डिस्टर्ब कर दिया, गुड आइडिया, सभी को थोड़ा इतना समझदार होना चाहिए, एंड आई अंडरस्टैंड कि सारे होंगे भी। ठीक है।